सिंगरौली में कई शिकायतों के बाद प्रशासन जागृत हुआ है और नगर निगम क्षेत्र में संचालित कई मेडिकल स्टोर और लैब का निगमायुक्त ने औचक निरीक्षण किया और नियमों के विपरीत संचालित मेडिकल स्टोर को सील किया गया। नगर पालिका निगम के आयुक्त डीके शर्मा ने अपनी टीम और नायब तहसीलदार अभिषेक यादव के साथ शहर में संचालित विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण कर मेडिकल स्टोर संचालन संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई मेडिकल स्टोर में जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन है वह उसका संचालन नहीं कर रहे हैं, कुछ के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट का उचित प्रावधान नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कई मेडिकल स्टोरों में वैध दस्तावेज भी नहीं मिले, जिसके चलते रामा मेडिकल स्टोर, इंद्र हेल्थ केयर, एपेक्स पैथोलॉजी को सील करने की कार्यवाही की गई है। हमारे द्वारा पिछले सप्ताह में कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और उसमें बायोमेडिकल वेस्ट का जो डिस्पोजल जो भी मेडिकल के इंस्टीट्यूट है, चाहे लैब है, चाहे मेडिकल दुकान है, हॉस्पिटल है, उनमें बायोमेडिकल वेस्ट का रेगुलर डिस्पोजल जो नहीं किया जा रहा है, जो मानव के लिए या जीवन के लिए खतरनाक है, जो हजार्ड्स निकलते हैं वेस्ट के, उसके डिस्पोजल प्रॉपर नहीं होने के कारण इनको चेतावनी दी गई थी। और अभी तक जिन संस्थानों के द्वारा ये कार्रवाई नहीं की गई है उनके पूरे दस्तावेज चेक करके आज मेडिकल की टीम, राजस्व विभाग की टीम और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की जा रही है। और जिनके द्वारा भी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है, बिना विधिवत परमिशन के जो मेडिकल की लैब या मेडिकल दुकानें संचालित की जा रही है, उनको बंद करने की कार्रवाई की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।